देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है मखानों की चाट। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही टेस्टी चाट और हेल्दी है। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मखाना चाट। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी हेल्दी सी टेस्टी सी चाट बनाएंगे, जिसे हम मखानों से बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले भुनेंगे मखाने। मखाने मैंने भून लिए और ठंडे भी हो गए, ये मैंने ड्राई रोस्ट किए। उस चाट को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये है अदरक बारीक कटा, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, आलू, हरा धनिया, दही, हरी चटनी और खट्टी मीठी चटनी जो चाट में हम इस्तेमाल करते हैं, और पापड़ी। ये पापड़ी हैं, ये भी मैंने घर पे ही बनाई हैं। और नमकीन आपके पास मोटे वाली जो भी हो, या मोटे बेसन के सेव हों या ज़ीरो नंबर के सेव हों, हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मखानों की चाट। मखानों की चाट के लिए पहले हम ये भारी तले का पैन रखेंगे और उसमें मखानों को ड्राई रोस्ट, इन्हें हल्की आँच पर ही भूनेंगे बिल्कुल करारा होने तक। हम इसमें कोई घी नहीं डालेंगे, कोई मसाला नहीं डालेंगे, केवल सूखे इनको हम ऐसे ही भून लेंगे। देखिए हमारे मखाने भुनने लगे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, आवाज़ बदल गई है। अब इनको हम ठंडा होने देते हैं, फिर हम अपनी चाट बनाएंगे। सबसे पहले मैं मिक्सिंग बोल लूँगी और उसमें मैं डालूँगी ये पापड़ी, उबले आलू। आप जितनी चाट बनाना चाहें, आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप आलू भी ज़्यादा डाल सकते हैं। टमाटर बारीक कटे, हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, तेज़ पसंद है क्योंकि इसमें हम मसाले भी डालेंगे अभी। और देखिए कितना कलरफुल सा होता जा रहा है। बारीक कटी प्याज, अदरक बारीक कटा, मेरे पास ये मोटे वाली नमकीन है, मैं ये डाल रही हूँ। थोड़े से इस तरह के सेव मोटे वाले जो होते हैं वो भी हम डालेंगे। आप नमकीन ना डालना चाहें तो खाली सेव भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट में। और अब मसाले, चाट है तो हम नमक काला ज़रूर डालेंगे। चाट में काले नमक का टेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग लगता है। और ये मैंने दही बड़ों के लिए अपने घर पे मसाला बनाती हूँ मैं, ये इसकी जल्दी ही मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसका दोबारा शेयर करूँगी होली से पहले। इस मसाले को डालने से दही बड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चाट में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाट में भी चाट मसाले की जगह अगर आप इसको मिलाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही डालूंगी थोड़ा सा सेंधा नमक। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितनी हम चाट बना रहे हैं उसी हिसाब से डालेंगे, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, चाहें तो आप थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हरी चटनी और खट्टी मीठी चटनी थोड़ी ज़्यादा डालूंगी, तो मुझे नींबू की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नींबू पसंद है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं इसमें पहले थोड़ा सा। वैसे मसाले भी बहुत होते हैं नमकीन में, और हमने भी डाले हैं। काली मिर्च मैं डालना भूल गई, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये मैंने काली मिर्च डाली। अब मैं डालूंगी इसमें हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, ये भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है। कच्चे आम और गुड़ से बनाई थी मैंने ये चटनी, अच्छे से। और हरा धनिया, हरा धनिया किसी भी चाट की जान होता है। इसमें आप थोड़े से पुदीने के पत्ते भी काट लें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास थोड़े से थे, 4-6 पत्ते रह गए थे, वही मैंने काट दिए इसमें। ये देखिए अभी कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये चाट। अभी हमने इसमें दही नहीं डाली है, दही हम बिल्कुल
लास्ट टाइम सर्व करते हुए डालेंगे। और मखाने भी आप उसी समय मिलाएं जब आपने चाट खानी हो, क्योंकि ये चीज़ें लिक्विड डालने से, नींबू का रस डालने से गल जाती हैं, तो हमें जब खानी है हमें उसी समय इसको असेंबल करना है चाट को अपनी, जिससे कि हमारी चाट में, क्योंकि जो हमने इसमें नमकीन डाली है, जो भी चीज़ें डाली हैं उससे वो सब गल जाती हैं मॉइस्चर मिलने पे, तो इसलिए जब हमने खानी है हम तभी इस चाट को तैयार करेंगे। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग सी, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ये, और हेल्दी भी हो जाती है। मखाने हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फाइबर होता है इनमें। मखाने हमें ज़रूर खाने चाहिए किसी भी तरह से। चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। चलिए अब हम अपनी चाट को सर्व करते हैं। ये मैंने लिया एक प्लेट, इसमें मैं मखाने थोड़े और डालूंगी, थोड़ी हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी। हरी चटनी और खट्टी मीठी चटनी के बिना कोई भी चाट कंप्लीट नहीं होती। और दही, और इस पे डालूंगी मैं थोड़ा सा बारीक कटा प्याज। बात इतने हमारी चाट की प्लेट तैयार हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आप भी इस तरह की चाट बनाते हैं। ये थोड़ा सा अदरक, आलू, अगर आपके पास अनार है तो ताज़े अनार के दाने डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास इस समय नहीं है तो मैं नहीं डाल पा रही। हमारी चाट खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।